जबरदस्ती पुलिस वालों ने आग लगाई, अपनी मर्जी से लकड़ी भर भर के लेके आए, जलाइए जबरदस्ती। हम बहुत रोक रहे थे, फिर डीएम साहब की गाड़ी में लाठी चार्ज कर दी साहब, लाठी चार्ज कर दी। अच्छा, लाठी चार्ज कर दी, फिर बताओ हम क्या करते, हमें सबको भागना पड़ा, फिर आग लगा दी गई। पहले लाठी चार्ज उसके बाद आग लगाई। प्रदेश में योगी सरकार में कहाँ नहीं आया है, जो पुलिस की वर्दी में जो बैठे हैं वो तो खुद ही बहुत बड़े भक्षक और बहुत बड़े दरिंदे लोग बैठे हुए हैं, मनुवादी लोग बैठे हुए हैं, हर कुर्सी पर मनुवादी बैठा हुआ है। उन्हीं मनुवादी अधिकारियों की वजह से ही उन्हीं के आदेश पे पुलिस प्रशासन ने गोली चलाई थी, जो इस बच्चे की हत्या हुई। रामपुर के सिलईबाड़ा गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर 27 फरवरी 2024 को एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। अंबेडकर पार्क को लेकर के एक विवाद था और उसके बाद से भारी पुलिस फोर्स वहां पर जो है मौजूद थी और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में वहां पर गोलीबारी चलती है और एक युवक की मौत हो जाती है। उस युवक का जो है यहाँ पर अंतिम संस्कार आप देख रहे हैं कि ये अंतिम संस्कार यहाँ पर हो रहा है। हम इस वक्त शमशान घाट में मौजूद हैं। हालांकि परिवार की तरफ से इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि वो नहीं चाहते थे कि अभी अंतिम संस्कार हो, लेकिन लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन ने ज़बरदस्ती जो है अंतिम संस्कार कर दिया है। परिवार का और कुछ लोगों का ये भी मांग थी कि हमारे बेटे की जो बॉडी है उसको पहले उस स्थल पर लेके जाया जाए जहां पर गोली चलाई गई थी, जहां पर उस बेटे की जो है मौत हुई थी वहां पर अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है नहीं माना और ज़बरदस्ती जो है यहाँ पर लाया गया डेथ बॉडी को और उसके बाद जो है अंतिम संस्कार कर दिया गया। तमाम लोग जो है आप देखेंगे कि शमशान घाट में जो है मौजूद हैं, भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस फोर्स भी जो है तैनात है, दूर दूर से लोग जो है यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये घटना जो है अपने आप में बड़ी ही विचलित करने वाली घटना है। क्योंकि इस घटना में सबसे गंभीर और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस पर गोली मारने के आरोप लग रहे हैं, पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने गोली चलाई है। जिस पुलिस से सुरक्षा की उम्मीद की जाती है, अगर वही पुलिस जो है गोली चलाती है तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि ऐसे में न्याय की उम्मीद किससे करेंगे, किसके पास में सुरक्षा और न्याय के लिए हम जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो है ये एक बड़ी घटना इस वक्त है, पूरे देश भर में जो है एक बड़ा मुद्दा ये बना हुआ है। भारी तादाद में पुलिस फोर्स जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, लोगों में आक्रोश है, बहुजन समाज के लोगों में आक्रोश है। राजीव जी, ये घटना जो घटी है पूरे समाज में एक आक्रोश की स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? पूरे समाज में, पूरे जनपद और पूरे प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी हाहाकार की एक घटना घट गई है। जो अपना हमारे साथ का युवा साथी 10वीं का छात्र की पुलिस प्रशासन ने बहुत जो है निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके आक्रोश में पूरा जनपद और पूरे मुरादाबाद मंडल आसपास के जनपदों के ही लोग पहुंचे हैं और तमाम आला अफसरों ने यहाँ पर बहुत तरह की अलग अलग गतिविधियाँ की हैं जो बहुत ही निंदनीय है। कहा जा रहा है कि प्रशासन ने जबरदस्ती अंतिम संस्कार किया है, परिवार के लोगों को भी जो है यहाँ पर नहीं बुलाया गया है। जो एक प्रक्रिया होती है कि परिवार के किसी सदस्य से जो है वो जो संस्कार देह की जो रस्म है सामाजिक, तो उसमें भी जो है पुलिस प्रशासन ने अपने हाथ से खुद किया है, सारी व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन ने किया है। एक तरह से लग रहा है पूरा हाथरस वाला दोबारा सीन, दोबारा पूरा हाथरस दोबारा रामपुर के अंदर मिलक तहसील में ये दूसरा नज़ारा दिख रहा है, जो दिन में पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में सबको लेकर के खुद अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने गोली चलाई है, पुलिस से सुरक्षा की उम्मीद की जाती है, न्याय की उम्मीद की जाती है, ऐसी स्थिति में जो है क्या कहें? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में कहाँ नहीं आया है, जो पुलिस की वर्दी में जो बैठे हैं वो तो खुद ही बहुत बड़े भक्षक और बहुत बड़े दरिंदे लोग बैठे हुए हैं, मनुवादी लोग बैठे हुए हैं, हर कुर्सी पर मनुवादी बैठा हुआ है। उन्हीं मनुवादी अधिकारियों की वजह से ही उन्हीं के आदेश पर पुलिस प्रशासन ने गोली चलाई थी, जो इस बच्चे की हत्या हुई है। तो कमिश्नर की तरफ से कहा गया है कि इंसाफ दिया जाएगा, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, आपको क्या उम्मीद लगती है? ये तो 24 घंटे से अधिक हो गया, अभी तक तो कोई भी ऐसा ठोस अभी तक सबूत नहीं मिला है जो कि आश्वासन पूरा हो जाए। पुलिस प्रशासन का या कमिश्नर का रोज का काम है ऐसी घटनाओं में आश्वासन देने का, झूठे। अब देखिए, सांसद जी भी यहाँ पर आए हुए हैं, घनश्याम लोधी जी। सांसद जी से क्या हो रहा है? सांसद जी आ रहे हैं तो वो तो अपने जो है लोकप्रियता के लिए आ रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए कहाँ आवाज़ उठाई, समाज के लिए कहाँ आवाज़ उठाई? आवाज़ उठाते तो यहाँ पे होते ना मौके पे कि हम ये आश्वासन अभी ठोस आपको देंगे, उन्होंने नहीं किया था। तो ये तो सब जो है भाजपा की कठपुतली है, शासन प्रशासन की कठपुतली है, जो भी कहेंगे वो अपनी स्थिति में ठीक कर रहे हैं अपने हिसाब से, मगर हमें देखना है हमें क्या करना है, समाज को देखना है क्या करना है।
कहा जा रहा है अंबेडकर पार्क की एक जगह बनाई थी, एक बोर्ड लगाया था सिर्फ, और उस पर यह विवाद खड़ा हुआ। गांव के जो दूसरे दबंग जाति के लोग हैं, खासतौर से कुर्मी वर्ग के लोग बताए जा रहे हैं, मैं खुलकर ही इस बात को बोल देता हूँ, सच बोलने में डर नहीं होना चाहिए। और उनके बाद जो है, पहले गांव के लोग विरोध करते हैं, उसके बाद प्रशासन के लोग आकर के स्थायी कार्रवाई करते हैं, तो समाज और प्रशासन दोनों तरफ से बहुजन समाज का तिरस्कार और जुल्म हो रहा है। वो यही हो रहा है कि कुर्मी समाज के लोगों ने शासन प्रशासन पे दबाव बनाया है सरकार के माध्यम से, कि इस गाँव में जो अम्बेडकर पार्क के लिए जो भूमि में जो अम्बेडकर का बोर्ड लगा हुआ था, बाबा साहब की प्रतिमा उस पर छपी हुई थी, उसको हटाने के लिए जेसीबी से वो लोग आए थे और उन्हीं लोगों ने ये हटवाने की प्रयास किया था। और यहाँ के इन युवा साथियों ने और महिलाओं ने वहाँ पे अपना जो है जबरन कब्जा कर रखा था, हम बोर्ड को नहीं हटने देंगे। और इस हिसाब को लेकर के जो है SDM महोदय ने पुलिसकर्मी से गोली चलवाई थी अपने आदेश पर। SDM की मौजूदगी में गोली चली, इस तरह मौजूदगी में चली है, उसी SDM ने गोली चलवाई थी। तो ये सारी घटनाएं वहाँ पे हुई हैं और सब पूरे गांव देख रहा है, पूरा क्षेत्र देख रहा है, गांव के चारों तरफ से भी जो है पुलिस ने नाकाबंदी कर रखा है, सब नाकाबंदी कर रखा है, सील कर रखा है, उसमें कोई भी कोई आने जाने वाले की रास्ते ही बंद है। हम खुद जंगल के रास्ते से आए हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का कानून व्यवस्था है? पीड़ित परिवार को जिस तरह से मदद प्रशासन को करनी चाहिए उस तरह से नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है। अभी कुछ नहीं आश्वासन है, ये तो केवल लॉलीपॉप भी हो सकता है। अब देखते हैं कितना इनके अंदर कितना खराब उतरते हैं, समय देखते हैं। चलिए, तो देखिए, ये राजीव अंबेडकर जी थे, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और यहाँ पर इस घटना स्थल पर पहुँचे हैं। हम लोग जो है यहाँ पर कवरेज करने के लिए आए हैं, मीडिया की यहाँ पर जो मौजूदगी होनी चाहिए थी वो बिल्कुल सुनने पर है। अखबारों ने भी जो है खबरों को जो है उस तरीके से नहीं दिखाया है जिस तरह से घटना होनी चाहिए। और मैं यही सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि क्या अगर किसी अपर कास्ट के व्यक्ति के साथ में ये घटना घटती तो क्या इसी तरह की प्रशासन की भूमिका होती और इसी तरह से मीडिया का रवैया होता, जिस तरह से इतनी बड़ी घटना को जो है पूरे तरीके से जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। जबरदस्ती पुलिस वालों ने आग लगाई, अपनी मर्जी से लकड़ी भर भर के लेके आए, जलाइए जबरदस्ती, हम बहुत रोक रहे थे, फिर भी लाठी चार्ज कर दी। फिर बताओ हम क्या करते, हमें सबको भाजना पड़ा, फिर आग लगा दी गई उसमें, पहले लाठी चार्ज की उसके बाद आग लगाई। उसके बाद आग लगाई, क्या हो सकता, भगा दिया, क्या क्या कर सकते हैं, गरीब समाज, कुछ नहीं होने, दलित समाज है ये, इसके लिए मतलब एक भेड़ बकरी जैसा समझ रहा है ये प्रशासन। इनके पास इतना पैसा नहीं है साहब, जो अपना अपने आप को संवार ले, दूसरे के मोहताज पे ये खुद ही रहते हैं। इनको जागरूक किया जाता है साहब, ये जानते ही नहीं है, इन पे इनका जो इनके संग जो हालात हुआ है, जो यानी कि और सरकार क्या देखेगी बताओ, इससे भी ज़्यादा क्या देखेगी जो मारे गए हैं।